थे, भारत के कुमार के बेटे थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर वो राजीव गांधी से जुड़ने से पहले 150-150 इंटरनेशनल पेटेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कर चुके थे। इस स्थिति में वो भारत के साथ जुड़ते हैं राजीव गांधी के कारण। कितनी बजी ये व्यक्तिगत विशेषता है, एनवायरमेंटल इशू को ध्यान दें कि बिना किसी खर्च के साथ वो जुड़ते हैं। केवल उनको जिस प्रकार राजीव जी ने श्याम पुत्रो जी को कन्वेंस किया, और उसका यह फायदा होता है कि वो भारत के लिए एक RLU रिमोट लाइन यूनिट भारत के लिए पेटेंट कराते हैं। इसका इतना बड़ा फायदा होता है कि ये दुनिया इंटरनेशनल स्तर पर भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड होती है। लेकिन भारत दूरसंचार प्रणाली में इसको आगे बढ़ जाता है और C.डॉट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा रेडियो प्रणाली, दूरसंचार प्रणाली, गांव-गांव तक धूल धड़क जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान होने से गाँव में पहुँचती है, ये पहला कारण था। दूसरी बात, हम कंप्यूटर क्रांति की करते हैं तो हम देखते हैं IT के क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण अर्थात क्या था, जब दुनिया को सशक्तिकरण, भारत को अपनी प्रतिनिधित्व रखना कंप्यूटर के क्षेत्र में, आधुनिकता के क्षेत्र में, ये पहली सोच और कारण राजीव गांधी जी के योगदान का था। दुनिया के नक्शे को बताना, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को स्वदेशी बनाना, ये किस कारण से संभव हो पाया था, ये IT कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी मिसाल के कारण, उसकी प्रेरणा और उसमें सतत अभ्यास किसी ने मेहनत अगर किसी ने की थी वो राजीव गांधी जी ने की थी। जब अगर बात शिक्षा की जाए, जब नई शिक्षा नीति के साथ साथ बात की जाए, तो राजीव गांधी जी ने एक स्कूल के लिए जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी, और इससे आप सभी परिचित हैं कि जवाहरलाल नवोदय विद्यालय आज भारत जो आज उन्होंने जो सपना देखा था, आज कितना बड़ा योगदान जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का है कि आज उससे कितने प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं आज देश के भविष्य बन चुके हैं। उन्होंने केवल बच्चों के लिए नहीं, युवा पीढ़ी के लिए भी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जैसे, इग्नू जैसे सेंटर की स्थापना भी की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो कम से कम जो पढ़ाई जो रोक चुके हैं जो व्यक्ति, वो अपना करियर कंप्लीट कर सके, और इसके साथ साथ केवल जो बच्चे हैं उसके जवाहरलाल नवोदय नहीं, केवल जो युवा है उसके लिए इग्नू नहीं, बल्कि जो अनपढ़ है, जो बूटा लगाता है उसके लिए उसके क्षेत्र में उसके गाँव में भी पौन किताब केंद्र स्थापित करके, शिक्षा पौन केंद्र स्थापित करके उन्होंने स्थापित करवाया। मकसद था कि जो व्यक्ति अपना बूटा लगाता है वह अपना हस्ताक्षर कर सके, उसको कलम पकड़ाने का अधिकार भी, उसको कलम पकड़ाने का अधिकार भी राजीव गांधी जी देते हैं। इसके साथ साथ जब वो आगे बढ़ते हैं, तब युवा जब पढ़ लिख लेगा, उनकी सोच देखिए, युवा को उन्होंने जब नवोदय विद्यालय इग्नू से पढ़ा दिया, अब वो क्या करेंगे। इसके लिए उन्होंने नेहरू युवा केंद्र जैसे संगठनों को खड़ा किया, और इसका प्रतिफल आज देख रहे हैं। 18 साल के मतदाता जो लोकतंत्र सशक्त भागीदारी नवा सक रहे हैं, वो राजीव गांधी जी की देन है। 21 जून को 18 मतदाता दिवस कर दिया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया, जिसका फायदा आज देख रहे हैं कि महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं हर क्षेत्र में। नारी के लिए जब आज हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, उस समय भी राजीव जी ने उत्कर्ष उज्ज्वला योजना के माध्यम से विकास किया था। चंद्रयान टू, मंगलयान टू जैसे विषयों पर भी आज संभव हो पाया है, तो राजीव गांधी जी की उस टेक्नोलॉजी के आधार पर संभव हो पाया। आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का जो गौरव है, तो किस प्रकार बढ़ाने का काम उस समय किया था, एक छोटा सा कारण था कि जो फोनेक्स जो भाषा होती है कंप्यूटर, और उसको कंप्यूटर को हिंदी समझाने का श्रेय किसी को जाता है, तो बात फरमाते एक व्यक्ति राजीव जी दिखाई देते हैं। हमको राजनीति कंप्यूटर को भी हिंदी भाषा समझाने का श्रेय राजीव जी को जाता है। बहुत बहुत